हे व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। और आज मॉर्निंग है संडे की, क्योंकि आज है संडे। और संडे आज कुछ स्पेशल होने वाला है। सभी लोगों की फरमाइश थी कि मम्मा आज कुछ अच्छा सा बना दो, काफ़ी दिन से जो है कुछ भी अच्छा नहीं खाया है। वैसे भी हम लोग जो है ज़्यादा मतलब कि ऑयली खाना कम ही पसंद करते हैं, खाते नहीं हैं। लेकिन जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो फिर मन कर आता है। छुट्टी का दिन है, सब घर पर हैं, तो इसलिए जो है आज मैं बना रही हूँ आलू की पकौड़ियाँ। हमारे यहाँ पर तो जो आलू है उन्हें गोल गोल काट कर बनाते हैं, तो पकौड़ी ही कहते हैं। आप लोगों के यहाँ पर क्या कहते हैं आप लोग भी कमेंट्स करके बताना। तो यहाँ पर एकदम सिंपल बनाऊँगी। चाय मैंने बना दी है, क्योंकि हम लोग जो है पकौड़ियाँ चाय से ही खाते हैं, हमें अच्छी लगती है। सॉस ले लेते हैं और चाय के साथ खाते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने बनानी शुरू कर दी है। बच्चों को ना एकदम सिंपल वाली पसंद आती है, नहीं तो कई बार हम इनमें कुछ भी डाल देते हैं, पालक प्याज इस तरीके से, तो और ज़्यादा टेस्टी लग जाती है। लेकिन बेटा और बेटी दोनों मतलब ऐसे नहीं खाते हैं, उनको तो एकदम सिंपल चाहिए होती है, तो इसलिए मैं एकदम सिंपल ही बना रही हूँ। और अभी मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब बनाई होगी, काफ़ी दिन से मैंने जो है ऐसा कुछ पकौड़े इस टाइप में कुछ भी नहीं बनाया है। तो आज मेरा भी मन था तो मैंने बना दिया, और साथ के साथ जो है बच्चों को खाने के लिए दे दिया था। और उसके बाद जो है फिर मैंने नहाया था, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो ऐसा कोई भी मतलब कि ज़्यादा देर तक तुम कोई भी कढ़ाई वाला काम करोगे तो बहुत ज़्यादा जो है पसीना पसीना हो जाता है। तो फिर मैंने नहाया, और नहाने के बाद जो है फिर मैंने अपना नाश्ता किया, और फिर जो है बच्चों को नहला धुला कर अब मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ। और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं यह कर रही हूँ रिवीजन, और रिवीजन कर रही हूँ मैं पॉलिटी आर्टिकल। आर्टिकल का मेरा रिवीजन जो है काफ़ी दिन से नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज रिवीजन ही कर लिया जाए। क्योंकि ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है रिवीजन। चाहे हम कम पढ़ लें, लेकिन रिवीजन जो है बार बार करते रहे तो चीज़ें जो है हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है, और रिकॉल भी हो जाती है जब हम उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जो मैं पॉलिटी वाली बुक से जो है अपने टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ, उनके नोट्स भी बना रही हूँ, आप लोगों ने देखा ही है, तो उनको मैं ऐसा करती हूँ जैसे मैंने आज कोई नोट्स बनाया अपना पॉलिटी का, कोई टॉपिक कवर किया, नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन जब मैं कवर करूँगी तो उससे पहले दिन मैं पहले दिन का जो है रिवीजन कर लूँगी टॉपिक का। तो उससे क्या है मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद होने लगी है, और अब जब चीज़ें याद होने लगी हैं तो मुझे जो है अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आने लगा है कि मुझे खुद लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अब मुझे ये विश्वास अपने ऊपर हो गया है। जब चीज़ें अपने आप ही होने लगती है ना, समझ आने लगती है, तो तब खुद ही विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जब तक हम किसी चीज़ को करते नहीं है या किसी चीज़ को मतलब कि समझते नहीं है वो चीज़, तब तक ही हमें हार्ड लगती है। जब एक बार हमारी चीज़ें समझ आने लग जाती है ना, तो फिर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ईजी है। और जब हमें चीज़ें आसान लगने लगती है, हम उन्हें करने लगते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमें जो है ऐसा लगता है कि हम और मेहनत करें, और अच्छा परफॉर्म करें, और ज़्यादा से ज़्यादा करें। तब जो है हम ऐसे इसी तरीके से जो है अपना टाइम ज़्यादा डिवोट कर पाते हैं पढ़ाई में, जब हमारा इंटरेस्ट बनता है। और जब तक इंटरेस्ट नहीं बनेगा तब तक जो है हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। और अभी मैंने दोपहर का खाना नहीं बनाया था, तो अभी जो है एक स्लॉट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में वापस से। सब्ज़ी मैंने पहले ही बना दी थी, और बस अब जो है मुझे यहाँ पर रोटियाँ बनानी है। अभी मुझे कल एक मेरी व्यूवर्स का कमेंट आया था, तो वो लिखती हैं कि दीदी मैं बहुत सारे एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट वाले दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मेरा नहीं हुआ है, और अब तो समझ नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि ये सब जो है मेरे भाग्य में ही नहीं है। बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है। तो डियर, मैं यहाँ पर आपको एक ही बात कहना चाहूँगी, कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो भी गलत होता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि हमारे ये चीज़ भाग्य में ही नहीं है, या हमारे साथ ऐसा ही लिखा है होना। पहले मेरे माइंड में भी ऐसे ही थॉट आते थे, बट अब मैंने जो है थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज कर लिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो ऐसा सोचते ही होंगे, और देखो ऐसा सोचना एक कॉमन बात है, ये भी नहीं है कि वो मतलब कि अपने मन से सोचते हैं, ऐसे थॉट्स हमारे मन में आ ही जाते हैं जब हम किसी काम को करते हैं और वो हमारा काम जो है पूरा नहीं होता है, और तो हमें यही लगता है कि ये हमारे भाग्य में नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब भी जीवन के किसी मोड़ पर आपको ये लगे कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, ये सब कुछ हमारे भाग्य में नहीं है, तो समझ लेना कि आपकी जो है मेहनत साथ देगी, और उसके लिए आपको सबसे पहले मेहनत ही करनी होगी, और तभी मेहनत हमारा साथ देगी। जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत भी कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। बस उस सक्सेस को पाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी वर्क आप करें अपने फुल डेडिकेशन और एबिलिटी के साथ करें। और एक सच यह भी है कि जो व्यक्ति अपने हार्ड वर्क से अपनी एबिलिटी को निखार लेता है, तो वह भीड़ में भी अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बना लेता है, क्योंकि उसके वर्क करने का तरीका,
उसकी स्मार्टनेस ही उसको सबसे अलग बनाती है। और कहते हैं ना कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ में अपनी पहचान बनानी है। तो इसलिए सक्सेस की जो एक के है वो है हार्डवर्क और मेहनत। बस मेहनत करते जाइए, हार्डवर्क करते जाइए, एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जब हमें लगता है कि हमें जो है हम पाना चाहते हैं, हमारी मंजिल, हमारा गोल हमें नहीं मिल रहा है, तो अपने इरादे मत बदलो, अपने तरीके बदलो, उन्हें करने का ढंग बदलो। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर जो है, अब मैं कर रही थी संसद टीवी से करंट अफेयर्स की न्यूज़, और यहाँ पर जो है चार बाहर बंदरगाह सम्मेलन जो हुआ था ईरान के साथ, वही जो है मैंने टॉपिक कवर किया और उसको नोट डाउन भी कर लिया है। और एक प्रोग्राम और आया हुआ था, ये देश की आवाज़, इसमें जो है टॉपर्स आए हुए थे UPSC के 2023 के, तो वही जो है मैं यहाँ पर उनकी स्ट्रेटजी और उनके जो है सुन रही थी उनको। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, देखो टॉपर्स की स्ट्रेटजी सुनना, उनसे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो ये चीज़ें मैं ज़रूर देखती हूँ, जो कोई टॉपर्स अपनी स्ट्रेटजी बताता है तो मैं उसको फॉलो भी करती हूँ और उनको अच्छे ध्यान से सुनती हूँ। तो वही सब जो है मैंने यहाँ पर किया। उसके बाद आ गई हूँ मैं मॉडर्न हिस्ट्री करने के लिए, और आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पता ही है। अभी दो दिन से मैं कर रही हूँ विपिन चंद्रा वाली बुक से, जो ओल्ड वाली बुक है। अभी स्पेक्ट्रम नहीं आई है तो वो भी मेरे पास है, लेकिन अभी जो है मैं स्पेक्ट्रम से मैंने बंद कर दिया है, और मुझे उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है काफ़ी, क्योंकि वो भी एक कहानी के फॉर्म में अच्छे तरीके से जो है लिखी हुई है, तो मुझे उसी से अच्छा लग रहा है, तो मैं उसी से कवर कर रही हूँ। और ये जो राज्यसभा टीवी है ना, काफ़ी अच्छा चैनल है, टीवी चैनल है, तो आप लोग भी जो है इस पर काफ़ी सारी न्यूज़ आती है जो हमारे काम की आती है, UPSC UPPCS और किसी भी अदर स्टेट PCS से रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोग भी वहाँ से देख सकते हैं और उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया आज दिन था संडे का, तो आज शाम को जो है फिर हम 6:30 बजे जो है फिर हम आ गए थे यहाँ पर पार्क में, यहीं पास में एक पार्क है, तो बच्चों का मन था तो हम आ गए कि कभी जाते भी नहीं है कहीं, तो थोड़ा सा घुमा लाए। और ये देखिए धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना, बहुत ज़्यादा, हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ा सही नहीं थी, तो उन्होंने अपने सर पर जो है वो जो सफ़ेद साफ बोलते हैं ना उसको, वो बांध के रखा हुआ है। और बच्चे यहाँ पर फुल इन्जॉय कर रहे थे, और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट जो है हमने भी किया। हम बस ये है कि बच्चे खुश होते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं इसी तरीके से, थोड़ा सा इसी बहाने से ना घूमने हो जाते हैं। वैसे तो कहीं जाते ही नहीं है, बस घर पे रहते हैं। और संडे का दिन था तो हस्बैंड के साथ आ गए, अदरवाइज़ हम अकेले कभी भी नहीं आते हैं। और यहीं पास में ही एक दूसरा पार्क था जिसमें हम पहले गए, वो बड़ा था, ये छोटा था, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ ग्रीन था, हरियाली ज़्यादा थी और ठंडक भी थी। जब हम इस पार्क के अंदर आए तो काफ़ी जो ज़्यादा जो है ठंडक महसूस हुई, बल्कि नहीं तो इतनी तेज़ गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा लू लपटे जैसी आग जैसा निकल रहा था। तो फिर हम यहाँ कुछ देर के लिए बैठे और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, इधर उधर खेले घूमे फिरे, और हम यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा रुके थे, और उसके बाद ही जो है हम शाम को वापस घर आए थे। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड भी थोड़ा सा बच्चों की तरह अपना झूल रहे हैं, तो इसी तरीके से होता है जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो इन्जॉयमेंट तो होता ही होता है फैमिली के साथ। और बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।